हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आई एम वेरी श्योर बेहतरीन होंगे। सो बस बच्चों, आज हो गई 23, कल है 24 और परसों है 25। बहुत सारे लोग जीवन में एक स्टेप आगे बढ़ जाएंगे और बहुत सारे लोगों को एक सेटबैक मिलेगा। इन द सेंस बहुत सारे बच्चों को उम्मीद के हिसाब से रिजल्ट नहीं मिलेगा। अब बच्चों, रिजल्ट अगर उम्मीद के हिसाब से नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये तो नहीं है कि यार मैंने इतनी मेहनत की वो ज़ाया हो गई, वो वेस्ट हो गई। नहीं बच्चों, इवन आपका रिजल्ट अगर नेगेटिव आता है तो मैं एक चीज़ यही मानता हूँ बच्चों, आप ये सोचिए कि पिछले छः महीने में कितना त्याग किया है। बच्चों, आप 6 महीने के पहले, मतलब एग्जाम देने के पहले आप क्या थे, और अभी CS कोर्स ने पिछले 6 महीने में आपको एक ऐसा बंदा बना दिया, एक ऐसी बंदी बना दिया कि भाई आपका टाइम टेबल फिक्स हो गया, सुबह 6 बजे उठना, 2-2.5 घंटे एकदम शिद्दत के साथ, ऑनेस्टी के साथ पढ़ाई करना, 8 के बाद कोचिंग क्लास जाना, शाम को 4, 4:30, 5 बजे तक कोचिंग क्लास में, उसके बाद कोचिंग क्लास के बाद सीधे लाइब्रेरी जाना या फिर अपने घर पे आना, 2 घंटे पढ़ाई करना। बच्चों आप ये सोचिए, और रिजल्ट जैसा भी है डेफिनेटली आप सब पास होने वाले हैं, बट आप ये सोचिए कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल, आपका नॉलेज, आपको पता नहीं था यार कंपनी लॉ क्या होता है, आपको JIJL क्या है, स्टॉक मार्केट कुछ भी नहीं पता था। ये कोर्स ने बच्चों आपको नॉलेज के टर्म्स में, आपके टीचर्स ने कितना ज़्यादा आपका वैल्यू एडिशन किया है बच्चों। सो अब रिजल्ट आ गया, अब किसी कारण से हम पास नहीं हो पाए। आपने मेरे इंटरव्यूज देखे होंगे मेरे बच्चों के साथ, जिसमें मैंने ऐसे ऐसे बच्चों की स्टोरी डाली है जो 6 अटेम्प्ट 7 अटेम्प्ट 5 अटेम्प्ट में पास हुए हैं। ठीक है, तो बच्चों अगर रिजल्ट कुछ भी उल्टा सीधा आता है, आपकी उम्मीद के अनुरूप नहीं आता, बच्चों मैंने जैसा कि आपको कल ही कहा था कि भाई एक प्रॉपर टाइम टेबल अभी से रेडी होना चाहिए, अभी ये वीडियो के बाद तुरंत बाद एक प्लान बी बना लीजिए कि अगर मैं फेल हो गया तो मैं इन 4 गलतियों के कारण फेल हो सकता हूँ, मैं नेक्स्ट अटेम्प्ट की जब प्रिपरेशन करूँ तो ये सारी गलतियाँ नहीं करूँगा। और ये भी प्लान कर लीजिए कि अगर मैं पास हो गया हूँ तो मेरे ख्याल से पास वाले प्लान तो हमारे रेडी हैं। कोई भी मन में उल्टा सीधा ख्याल मत लाना यार कि मैं निकम्मा था, मैं नलायक था, मैं आवारा था, मैं ऐसा था और मैं वैसा था। बच्चों प्लीज़, आप ज़िंदगी में एक चीज़ याद रखिए, जिसका करियर लेट शुरू होता है इसका मतलब वो ख़राब नहीं है। बच्चों आयुष्मान खुराना पहली मूवी इनको 34-35 की एज में पब्लिक के बीच में मेहनत कर रहे थे, घस रहे थे बच्चों 21 साल की एज से। नवाजुद्दीन सिद्दीकी 40 की एज में, बमन ईरानी 55 की एज में, बच्चों इनका लोहा, इनके एफर्ट्स का लोहा दुनिया ने देखा बच्चों। तो जो लोग जिंदगी में लेट स्टार्ट करते हैं ना बच्चों, ऐसा नहीं है कि वो फेल हुए हैं बच्चों। मुझे देख लो, 38 की एज में बच्चों, 38 की एज में जिस शहर में मैं बहुत ज़्यादा सेटल था वो शहर छोड़ के इंदौर में जीरो से मैंने अपनी कहानी शुरू की बच्चों। हालांकि मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैंने कुछ बहुत बड़ा अचीवमेंट कर लिया, बट मैं आपको यही बोल रहा हूँ कि लाइफ बच्चों बहुत अनसर्टेन है, हर एक इवेंट को बहुत अच्छे से प्लान कीजिए। और बच्चों सेटबैक्स आएंगे, बट उन सेटबैक्स से हमें घबराना नहीं है, उन सेटबैक से हमें हारना नहीं है, निराश नहीं होना है, कुछ नहीं बच्चों। हर एक चीज़ की प्लानिंग है बच्चों। मोदी गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा काम किया पिछले 10 सालों में, बट स्टिल इनको फुल मेजोरिटी नहीं मिली, उनको नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के ऊपर डिपेंड होना पड़ा। तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि मोदी जी खराब है, डेफिनेटली ही इज गुड, ही इज वर्किंग हार्ड, और भगवान कहीं ना कहीं अच्छे अच्छे लोगों का को रिवॉर्ड देता ही है बच्चों। ठीक है, मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट नहीं करता, बट आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल। अखिलेश यादव, जो लोग उसको फेवर करते हैं बच्चों, उनको भी पता है कि बच्चों लोगों को लगता था कि ही इज फिनिश्ड, बट स्टिल ही परफॉर्म वेल इन उत्तर प्रदेश। तो बच्चों मैं यही बोल रहा हूँ कि फेलियर्स आती हैं, वो सिर्फ हमको ये बता देती हैं कि बॉस तुम्हारी यहाँ यहाँ पे गलती थी, उसको रिकवर करो, उसको ठीक करो, और बस बच्चों जंग पे वापस लड़ जाओ। जिंदगी रुकने का नाम नहीं है बच्चों। हमने DGC के स्टूडेंट्स के लिए एक सीरीज स्टार्ट की है, रुक जाना नहीं में हम काफ़ी चीज़ें करते हैं बच्चों, बच्चों के लिए रोज क्लास में हम उनको 6 बजे 7 बजे तक बिठाते हैं, एंड वी आस्क देम टू डू कुछ ना कुछ राइटिंग प्रैक्टिस, सेल्फ स्टडी, हम कुछ ना कुछ बच्चों को करवाते हैं, हम छोड़ते ही नहीं उनको 7 बजे तक। तो बच्चों बस मैं वही बोलूँगा, हिम्मत नहीं हारना है, भगवान आपके साथ है, आपके माता पिता का आशीर्वाद आपके साथ है। फेल भी हुए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पास होंगे तो भैया मिलके पार्टी करेंगे, और अगर फेल हुए तो भी हम पार्टी करेंगे, तो भी हम आपके एफर्ट्स की जीत होगी बच्चों, आपके एफर्ट्स के लिए हम चीयर करेंगे, सेलिब्रेट करेंगे। लव यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।